अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। आज ये देखिए, हमने बड़ी मज़े की डिश बनाई है, स्वीट डिश। इसका नाम है फ्रूट ट्राइफल। ये मेरी बहुत मतलब फेमस डिश है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, 4 कप मैंने पानी डाल दिया, छोटे वाले 4 कप मैंने एक सॉस पैन में पानी डाल दिया उबलने के लिए। तो पानी जब उबल गया ना, तो आप कोई भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। येलो ले लें, आप रेड ले लें, जो भी ले लें। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली ली, रेड वाली। 4 पैकेट मेरे पास जेली के हैं और ये 8 कप, छोटे वाले 8 कप पानी है, ठीक है। उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिए, इसको बस थोड़ा सा हिलाना है और ये फ़ौरन ही बन जाती है। ये बस बन गई और इसको किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने ना खुले बर्तन में निकाले क्योंकि मेरी थोड़ी ज़्यादा जली है ना। अब हमने ले लिया दूध, और दूध मेरी क्वांटिटी कस्टर्ड की ज़्यादा थी और चीनी भी और दूध भी सब ज़्यादा था, तो इसकी क्वांटिटी मैं नहीं बताऊंगी, वो कस्टर्ड के डब्बे पे लिखी हुई होती है। मैंने दूध लेके उबाल लिया और उसमें मैंने चीनी डाल दिए और मैंने कस्टर्ड अलग से एक दूध में, थोड़े से दूध में कस्टर्ड को मिक्स कर लिया, कस्टर्ड पाउडर को। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया था, ठीक है। अब आराम आराम से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ उबलते हुए दूध के अंदर, और इसको डालते जाना और मिक्स करते जाना। इसकी ना गुठलियाँ बन जाती हैं, मुझे तो वैसे चाहिए मिक्स हुआ हुआ, लेकिन इसकी गुठलियाँ ना बनने दें। चलिए जी, हमने कस्टर्ड भी फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया अपना। ये हमारा कस्टर्ड है और वो जेली है, जेली भी ठंडी कर ली है हमने फ्रिज में रख के, उसको ना क्यूब्स में काट लिया छोटे छोटे चौरस। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंगो है कटा हुआ, आप इसकी क्वांटिटी में आपको नहीं बताऊँगी, आप वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंगो है, ये रेड ग्रेप्स हैं, ये ग्रीन वाले ग्रेप्स हैं, और ये क्रीम है, मिल्क पैक वाली क्रीम लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। ये मेरे पास पाइनएप्पल का टिन है, ये मेरे पास जो है फ्रूट कॉकटेल है, जिस मिक्स फ्रूट जो है ना, एक टिन, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ एक बाउल आपको बनाना बता रही हूँ। ये चीज़ें ज़्यादा क्वान्टिटी के लिए हैं इनमें से कुछ ना। ये कंडेंस मिल्क है, ये मैंने थोड़ा अलग से थोड़ा डाल लिया। और ये आ गया मेरे पास प्लेन केक, जो बिल्कुल प्लेन केक होता है ना, या तो बेकरी वाला या फिर डब्बे वाला, जो भी आपको मिल जाए। ये है मैरी बिस्किट। अब कुछ लोग मेरी ना लास्ट वाली वीडियो में कह रहे थे कि बिस्किट और इसमें क्या इसका मतलब है बनता तुक डालने का, तो ये मैरी बिस्किट हैं। ये मीठे नहीं होते, जब आप इसको बीच में डालते हैं ना, तो इनकी अलग से अच्छी एक लेयर आ जाती है, वो ऐसे क्रीमी क्रीमी सी बड़ी मज़े की लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से करनी है। और ये मैंने एक खाली बाउल ले लिया, अब मैं इसमें डालती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे लेयर्स बनानी है। चलिए ये देखें, सबसे नीचे हम प्लेन केक डाल लेंगे, इसको तरतीब से रख के। ये देखें, चलिए ये देखें, ये जो पाइनएप्पल के टिन में पानी होता है ना, सॉरी जूस होता है ना, जूस नहीं, इसको बोलते हैं मेपल सीरम, ये आप इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा केक। ये देखिए, ये डाल दिया। अब ये देखिए, अब मैं ना इसकी साइडों पे जेली रखूँगी, साइडों पे जेली रखूँगी ना, तो वो फिर जो शीशे का बाउल होता है ना, उसके बाहर से नज़र आती है तो अच्छी लगती है। पहले मैं इस लेयर में भी साइडों पे रख लूँगी, फिर इससे अगली लेयर में भी रखूँगी साइडों पे। ये देखिए, चलिए एक लेयर अब मैं कस्टर्ड की डाल दी। कस्टर्ड मैं तो थोड़ा थिक बनाती हूँ, क्योंकि ये ना फिर सारी चीज़ों में लिक्विड होता है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पतला कस्टर्ड बनाएंगे ना, तो वो फिर मतलब सही ना वो नहीं होगा, इसकी इसका टेक्सचर सही नहीं बनेगा, वो सारा पतला पतला सा हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसमें अब एक लेयर कस्टर्ड की डाल देती हूँ। चलें जी, ये है फ्रूट ट्राइफल। तो इसमें सबसे ज़्यादा अब आती है फ्रेश फ्रूट्स की बारी, तो अभी मैंगो का सीज़न है, तो इसलिए मैं फिर डाल रही हूँ मैंगो। ये है भी मैंगो कस्टर्ड, फ्लेवर भी मैंगो का आएगा, तो बड़ा मज़े का लगेगा। आप आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो ना, आप वो डालें जो इजीली मिल जाएं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ आप भी वही डालें, बस वो हों कि जो खट्टे ना हों, मीठे मीठे से हों, मतलब मुँह में आए तो अच्छे लगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने लाल अंगूर और हरे अंगूर सब डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी एक, ये देखें, ये फ्रूट कॉकटेल है, ये देखिए जी। अब मैं इसको इतनी क्वांटिटी इसके लिए काफ़ी है, जैसे हम बिरयानी दम वाली बनाते हैं, ये भी ऐसे ही तय वाली बनती है। अच्छा, ये आ गया हमारा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी हम, ये देखें, ये हमने ना मतलब दो लेयर्स बनानी है,
ठीक है, तो एक लेयर ये हो गई। अब हम इसके ऊपर डालते हैं अपना पाइनएप्पल। ठीक है जी, ये देखिए, आपको जितना पसंद है आप अपने हिसाब से डालें। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मेरी जो ये है फ्रूट ट्राइफल है, जो भी खाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना ये। अच्छा, इसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा ये डालूँगी। चलें जी, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ एक लेयर मैरी बिस्किट की। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको ऊपर नीचे जैसे भी करके ना इसकी लेयर्स बनाएं, ये बनेगा वैसे ही मज़े का, जैसे मर्जी आप बनाएं। ठीक है ना, तो मैं बस कोई चीज़ ऊपर डाल देती हूँ, कोई पहले डाल देती हूँ, कोई बाद में डाल देती हूँ, तो उससे भी टेस्ट वैसा ही आता है। आपको पता है जब फ्रूट सारे मिक्स होने तो टेस्ट तो उनको आना ही आना है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से ऊपर कस्टर्ड। अच्छा, ये देखिए, अब ये कस्टर्ड की लेयर भी ऊपर हो गई है पूरी। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इसकी डेकोरेशन पे आते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं डेकोरेट। अब ये देखिए, यहाँ पे साइडों पे एक एक जेली रख देती हूँ मैं। अच्छा, अब ये सबसे ऊपर टॉपिंग पे मैं डालूँगी ज़्यादा सारी क्रीम। ठीक है, कस्टर्ड क्रीम डालें ना तो इसका मज़ा ही डबल हो जाता है। ये देखिए जी, अब यहाँ पे मैंने डाल दी क्रीम ज़्यादा सारी। ये आप जब क्रीम डालते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो आपको पता है उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में घुल जाएंगे सारे, इतने नरम और सॉफ्ट वाले फ्रूट्स हैं। और दूसरा ये कि ये सारे ही फ्रूट्स मतलब सबको पसंद होते तकरीबन। अब इसके टॉपिंग पे मैंने एक रखा है ये पाइनएप्पल का पीस, और इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया एक अंगूर। और ये देखें, ये बाकी जो फ्रूट कॉकटेल में से फ्रूट्स थे थोड़े से वो डाल दिए साइडों पे, और थोड़े से अंगूर और डाल देते हैं हम इसकी साइडों पे। ये देखें, कलर भी इतना प्यारा लग रहा है, और टेस्ट जब आप खाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे सारे मीठे दुनिया के, इतना मज़े का मीठा होता है ना। और तकरीबन देखा जाए तो ये हेल्दी भी है, इसमें मतलब फ्रूट्स ही हैं ज़्यादा, और आपके बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, इतना ये मज़े का है। और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े और मैंगो डाल लें, अगर आप मैंगो लवर हैं तो। मैंगो का सीज़न तो वैसे भी जा रहा है, तो जो जो चीज़ें मैंगो से बनाने वाली हैं जल्दी जल्दी आप लोग भी बना लें। और अब हम इसके ऊपर फाइनल थोड़ा सा, मैंने ये जो मैरी बिस्किट है ना उसका मैंने ये बना लिया दरदरा सा पाउडर सा, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये देखें डेकोरेशन के लिए डाला है। अब देखें जी, हमारा फ्रूट ट्राइफल बन के रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा, आपने ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करनी है, अपने मेहमानों को, बच्चों को, सबको खिलानी है। और ये मेरी रेसिपी वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी बनाएं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा सारी दुआएं कीजिएगा, और मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो अल्लाह हाफिज़।